गोपी चंद 12 कन्याओं का पिता था, 16 उसका रानी बताओ है। उसकी माँ के भीतर में इसी बात बैठगी कि जुकर तेरा पति मर गया, तेरा छोरा भी मर जाएगा। उसकी माँ न्यू कहने लगी, अरे गोपी चंद बेटा तू जोग ले ले, तू बाबा बन जा, फकीर बन जा। नुवलारी माँ तेरा दिमाग में खराबी है क्यों? नुवलारी मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, 12 कन्या 16 रानी, इतना लंबा राजपाट कौन संभालेगा? नुवली बेटा ये तो दुनियादारी है, चलती रहेगी। अगर तने अमर होना है तो एक ही रास्ता है, भगवान का भजन। और वो तब होगा जब तू संसार के मुंह से मुक्त हो जाएगा, निष्काम भक्ति जब भी बढ़ेगी। नुवला माँ ईब तो तू बड़ी ज्ञानी पाकरी है, माँ की ममता बहुत कसूती हो, जब मैं बाबा बन गया ना फिर रोंदी फिरेगी। नुवला ना बेटा को ना रो, तू जोग ले ले। कहने का मतलब यू है, धक्का करके गोपी चंद की माँ गोपी चंद को गुरुजी जलंधर नाथ के पास लेगी और उड़े जाके अपने बेटे को जोग दिवा देती है। आगे की कहानी सुनो, बस देखने उठो ना, बैठ जाओ, बैठ के सुनने की बात है, हंडन की बात करनी। ईब कहते गुरु जलंधर नाथ ने गोपी चंद के कान पाड़ दिए, बाबा बना दिया। एक दिन गुरुजी कहने लगे, गोपी चंद तेरा जोग जब सफल होगा, जब तू अपनी माँ जाई बाण में माई कहकर भिक्षा ले आओगे। ईब गोपी चंद ने बोला, गुरुजी जो आज्ञा जैसे आप लोगे वैसे करूंगा। गोपी चंद के एक के बाण थी जिसका नाम चंद्रावर था। गोपी चंद कंधे पर झोली ठाके और बबूत रमा के अपने शरीर के ऊपर गुरु का आदेश लेकर नगरी के अंदर अलख जगाने के लिए चलते। अपनी बाण के द्वार पे जाकर अलख जगाई, अलख निरंजन, अंदर से भिक्षा डालने के लिए। जैसे गोपी चंद की बाण बार आई, एकदम से बबगल नजर मिली तो देखा, ओहो यू तो तेरा भाई से गोपी चंद। हाथों में थाली छुटकी, नीचे पड़गी जो भिक्षा ले थी वह खिंड गई। अनुबलिया रे गोपी चंद, तने यू के करया रे, तने जोग ले लिया? अरे मेरे भाई, मैं तेरी इकलौती बहन हूँ, मेरी तरफ भी नहीं देखा तने, तेरी 12 कन्या 16 रानी, इतना लंबा राजपाट कौन संभालेगा? गोपी चंद पड़ता ने बोला, माई की बेटी, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, ना तू मेरी बहन है, हम तो बाबा हम तो फकीर है, मांग मांग के खाया कर, हमने किसी से कोई मतलब नहीं, भिक्षा डाल अपना काम कर। नवली रे फूक दे माई ने, मैं माई मुई कोई ना, मैं तो तेरी माँ जाई बाण हूँ, उससे पेट में तो तू लिकड़ रहा, उसे मत मैं लिकड़ रहा हूँ। सजनो गोपी चंद की बाण रोन लगी, आख्या पानी आ गए। बोले रे गोपी चंद ठीक नहीं करी तने। और गोपी चंद बोले, माई की बेटी मेरा टाइम खराब मत कर, मेरे भिक्षा डाल, मेरे गुरु जी इंतजार कर रहे हैं, मैंने जाना है। इतनी देर में रोती रोती न्यू कहने लगी, रे तन्ना नहीं बेरा, गोपी चंद पूरी बात करे, जिस बाण का भाई को ने उसने पूछ के देख, और जिसका भाई मर जा उसने पूछ के देख, और जिसका भाई न्यू बाबा बन जा जिंदा जी उसने पूछ के देख। बोला क्या कहना चाहती है? तो एक बात कहो चंद्रावल, क्या कहती? ताड़ी मत बजाना, हाथ मत उठाना, जयकारा मत लाना, नाचना मत, ध्यान तो सुनियो, कन्ना का सारा मल बैर लिकट जाएगा। बाण भाई का इससे बढ़िया कोई भजन हो नहीं सकता। चंद्रावल एक बात में अपने भाई को क्या कहती है? रे मांग मांग के पेट भरो, थारा ठीक गुजारा ओ से, अरे के बेरा तने आन ने भाई कितना प्यारा हो से, तेरे मांग मांग के पेट भरो, हरा ठीक गुजारा हो से, के मेरा तने बहन ने भाई कितना प्यारा हो से रे, के मेरा तने बहन ने भाई कितना प्यारा हो से। सुनियो पेपे, बाण भाई का प्रेम न्यारा हो है, जब छोरी का ब्याह हो जाएगा ना, और अगले का 5-7 दिन रहोगी, थोड़ी तो रोटी खाओगी, शर्मावगी क्योंकि जानती कोई, और जी को लगे पल पल में फोन करके अपनी माँ दर माए, जी को लग रहा भाई ने गाल दिन में ले जाएगा, और जिस दिन मेरा पटक ना तेरा भाई आवाज है तन ले, 70 फोन कर देगी, भाई कड़े से आ रही, कितना टाइम लगेगा रे,
अरे भाई जब कदे घर भूल जाए बालक ने भेज दूंगी डब इतना लाड होता है। और जब भाई घर पहुंच जाएगा बाण धो रहे न्यू कभी भाई भीतर आ जाए ना मत आड़ मत बैठे भीतर पीड़ा गाल के न्यारी बैठ जाएगी। और भाई नु कहे चाह बना ले नु कहे ना भाई चाह नहीं दूध का गिलास पी दूध पियाओगी अपने भाई ने और राजी होगा। नु कहे अरे माँ ठीक थी पापा ठीक था चाची ताई ठीक थी गांव की सारी बतलाओगी बाण भाई का तो बतलाना भी न्यारा हो है लोगो ईश्वर पर कोई रिश्ता नहीं है। नंबर एक पर क्या लिखा है भेजी जा पांच सात दिन भेजी जा जब हो मुकलावा प्यास कम बोले शर्मावे क्योंकि सुख सम भोजन खास है फिर सतावे याद पियर की लगे कुटुंब की जास है फिर सुख के दान अरे हो जा जब भाई लेवन जास रे सुख के दान अरे हो जा जब भाई लेवन जास वो तो पिता गाल बैठ जा जड़ में पतलाना न्यारो से के बेरा तने बाहर में भाई कितना प्यारा हो सरे के बेरा तने बाहर में भाई कितना प्यारा हो सरे की कोई भैया की बाड़ा की कोई रया ओट सगाई कोन्या तान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई कोन्या अगर पड़ोसने कटी हो जा तड़े लुगाई कोन्या दिया ते के हो जा इस बहू के भाई को नहे दान दिया ते के हो जा इस बहू के भाई को नहे पन्ना बोल दे चीर गातने पन्ना बोल दे चीर गातने लोग तेज दुधारा उसे के बेरा कितना प्यारा हो सरे के मेरा तने मार न भाई कितना प्यारा हो सुनियो भाई मारे बुढ़ा ने एक रीति रिवाज बनाया बड़ा सोच समझ गए जब छोरी मारी बाण अपने बेटे ने अपनी बेटी ने ब्याह होगी तब बात नहीं उतना आग्रह रूल बनाए मारे बुढ़ा ने ये नियम होया करता समाज का आज ना सो रहा है पहले तो बिना बाती ब्याह को गरीब तो छोरी एक मिनट में लड़ाई कर ले भाई गिर जा रे बाती को नहीं आंदा मन ने को नहीं बाती है जरूरत मतलब ब्याह कर दूंगी सुनो बे बेकान खोल गई ऊ तो सर थारी मर्जी बिना बाती कोई ब्याह नहीं सजदा ऊंचे सारे देश ने जोड़ लेता हूं जिस ब्याह में बाती नहीं ना वो ब्याह को नहीं मानता मैं तो उसने खाम खाई का खर्चा ला रहे बेबे बाती तो इतने जरूरी हैं इतने बाती नहीं आ लेना चाहे सारे कुड़बों के पेट में दर्द हो जाओ इतने जिम्मनवार भी शुरू नहीं होगी पंडित जी का गला डुआ का नहीं लखा भी ना जाइए इतने बाती नहीं आओगे जिम्मनवार नहीं लग
ये रूल होया करते समाज के, लेकिन आजकल नाश हो रहा है ना। बाती भी ये हो रहे हैं, एक मिनट में कहते जामा उन पर दात्रा बात ये छोरी हो रही है। लेकिन मेरी बहनों, इन संस्कृति को, इन रीति रिवाजों को छोड़ो मत। मारे बुढ़िया ने सोच समझ के बनाई थी ये चीज। बाती की कितनी जरूरत पड़े है भाई, के चीज हो सर। नंबर तीन पर क्या लिखा, चीज जगत में, भाई जैसी चीज जगत में और कोई ना चावे। वासो सो मेरे पिया करे जब बेटा बेटी ब्यावे, बाट दिखा के मतन्या आइए न्यू दूर बैठ समझावे। सब तक बाती ना आले नारा गुण बेन पावर, जब तक बाती ना आवे नारा गुण बेन पावर। ये पत्ता मत बात लकड़ जा, पत्ता मत बात लकड़ जा, पूरा भाई चारा हो से कितना प्यारा हो सरे, के मेरा तन मान दबाई कितना प्यारा हो सरे। सुनियो बेबे, थार काम की बात आ गई। सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खासकर बेबे ध्यान दियो। तम लड़ते होने ही गुंडी गाड़ दिया रो ए रांड ना बेबे, कितना गंदा लब जाइयो। सुनो ए, तम सोला श्रृंगार करो हो, मांग में जो सिंदूर भरो हो वो किसका है बेरा, वो पति के नाम का। आथा में जो चूड़ी पैरो हो किसका नाम की है, भाइया का नाम की है, पति के नाम की नहीं। और जिसका पति मर जावा तो विधवा होया करे, जिसका भाई मर जावा रांड होया करे। मेरी बेबे लड़ते होने गाल मत दिया रो, अरे या गाल तो जमाए ना दिया करो भाई वही रांड। सब ने अपने भाई प्यारे लागे, थारा भी भाई है, मैं भी थारा भाई हूं। जे थारे कोई थारे भाई ने गाल देवे और कोई ने कहे तेरे भाई मर जा, थारा चोक नहीं उठे, घना बूंदा उठे। एक औरत ने इतना प्यारा अपना पति भी नहीं होता, इतना प्यारा अपना बेटा भी नहीं होता जितना प्यारा भाई हुआ। न्यू कहा अरे पति मर जाएगा दूसरा ब्याह कर लेगी, कोई बात नहीं, बेटा और जा मिलेगी। भाई कहां था वह, भाई जैसी चीज नहीं है, भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज जितनी मेरी बाण मेरे शामी बैठी है, पर्ण देख जाइयो जिंदगी में भाइयों का तिरस्कार मत करना। और लड़ते हो नहीं बूंदी गाड़ दे, कदे ना दियो बेबे, समर्थन करो मेरी बात का। अगर अच्छी लागी हो आज के बाद गाली नहीं दोगे तो ताड़ी बजाओ। ताई दोगी गाली, इसका मतलब ताड़ी कौन बजा दी, कौन देवनी। नंबर चार पे क्या लिखा है, ना सर जगत में भाई बना ना सर जगत में, और चीज बिन सर जा घर घर कहती फेरिया करे भाई परदेश जगरी जा। थोड़े दिन में चिट्ठी आवे पटक पिटा भर जा, रांड कुआया करे जिसका माँ का जाया मर जाए। वाहे रांड कुआया करे जिसका माँ का जाया मर जा। देवी दत्त कहे प्यार बहन का, श्री देवी दत्त प्यार बहन का, स्वर्ग द्वारा प्यारा हो सरे। मांग मांग के पेट भरो था।
सारा ठीक गुजारा उसे के मेरा तन मान दवाई कितना प्यारा हो से के मेरा तन मान दवाई कितना प्यारा हो से।